यूपी में इतनी सर्दी हो रही है, मैं लगभग 4 कपड़े पहना हूँ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और इस वक्त हूँ मैं अपने गांव के पास जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ कानपुर के लिए। मुझे मेरा पासपोर्ट बनवाना था, तो लास्ट टाइम जब मैं पासपोर्ट के लिए गया था थोड़ा सा वेरिफिकेशन में इशू हो गया था, तो मुझे फिर से डेट मिली है। तो आज जा रहे हैं हम कानपुर अपने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरे साथ में अभी अविनाश और शिवम, शिवम रहता है कानपुर में और अविनाश तो साथ में जा रहा है। अविनाश वैसे तुम क्या जा रहे हो? मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और मैं अभी तक कानपुर घूमा नहीं हूँ। कानपुर से कई बार मैं पुणे गया हूँ, कई बार कानपुर स्टेशन पे रुका हूँ, 4 घंटे 5 घंटे बैठा भी हूँ, बट कभी कानपुर मैंने नहीं घूमा। तो देखते हैं आज कैसा रहेगा कानपुर का सफर। तो किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। तो जस्ट अभी हम स्टेशन पे उतर चुके हैं और ट्रेन लेट थी थोड़ी आधे घंटे, बट उसने सही टाइम पे पहुंचा दिया। तो अभी बाहर निकल के ऑटो पकड़ते हैं और जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। तो पासपोर्ट का काम तो मेरा हो गया है फाइनली, तो अभी सोचा थोड़ा घूम लिया जाए। तो अभी कानपुर का बहुत फेमस मंदिर है जेके टेम्पल, तो अभी जेके टेम्पल मंदिर के पास हूँ। इसका टाइमिंग नहीं मालूम था ये कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद होता है, तो इस वक्त बज रहा है 1 और मंदिर है बंद। शाम को 4 बजे खुलेगा, लेकिन हमारा ट्रेन 5 बजे है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं और देखते हैं कहीं और जाके देखने के लिए। ये भी बहुत टाइम है, 4 घंटे 3 घंटे, हाँ समथिंग 3 या 4 घंटे, 3-4 घंटे क्या करेंगे वो प्लान करना है अभी। तो अभी जेके टेम्पल जब बंद था तो सोचा कहीं और घूमने चले। तो अभी हम आ गए गंगा घाट के किनारे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर है शंकर जी का परमट करके। तो इस वक्त मैं परमट मंदिर के पास में ही हूँ, अभी तक मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ, दर्शन करना है बाकी है। और सोचा पहले गंगा किनारे घूम लेते हैं। ये गंगा घाट है और काफ़ी साफ़ है देखा जाए, जैसे जहाँ तक सुना जाता था कि कानपुर की जो गंगा है वो बहुत गंदी है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है भाई, बहुत क्लीन गंगा है और घूमने लायक है। आप अगर आप आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। ए जी घाटे पानी सब भरे, और यो घट भरे न को, अरे यो घट घाट कबीर का, और भरे सुनी मन। तो चलो अभी मंदिर में दर्शन कर लेते हैं और देखते हैं। काफी सुना है मैंने ये मंदिर काफी अच्छा है, काफी पुराना मंदिर है। अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से प्रसाद की लाइन में तीनों लगे भाई साहब अपने अपने दोनों। तेरा दोना कहाँ पे? दोना नहीं दिया, इसे नहीं मिलेगा। मेरे पास है, उसके पास भी है, पीछे वाले देखने को क्या करना है। तो प्रसाद लेके बैठ गए गंगा किनारे भाई साहब, सुकून बहुत है यार। प्रसाद है आपके साथ में, बंदर भी आ रहे हैं भाई साहब, प्रसाद बचा के रखो। देखिए बहुत मुश्किल से लाइन में खड़े होके मिला है प्रसाद, उसके बंदर लेके गए तो बवाल हो जाएगा यार। मतलब इनको हैबिट है, ये नहीं आएंगे। इनको हैबिट तो है बट इनको खाने की भी हैबिट है यार।
मतलब देख लो आप व्यू समझिए, यहाँ पे प्रसाद है हाथ में, यहाँ पे दो दोस्त हैं, और सामने है गंगा जी। बहुत प्यारा सा व्यू, मतलब जो भी है मजेदार है। बड़ा शौक है। तो अभी जिस प्रसाद के लिए लाइन में हम लगे हुए थे, तो अभी मालूम चला है कि ये जो दो लोग मुझे अभी मिले, हालांकि इनकी फैमिली की तरफ से वो जो प्रसाद था वो हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी तरफ से प्रसाद हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आप इतने सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं, इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, सो स्पेशली उसके लिए भी थैंक यू। तो परमट मंदिर घूमने के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ और घूमा जाए। मेमोरियल चर्च करके एक कानपुर में ही है, जो कि 1875 में बना था। हम लोग वहाँ पे गए तो वो कैंट एरिया था, वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, और वो संडे को सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है, तो वो नहीं घूम पाए। तो अभी हम वापस आ चुके हैं कानपुर सेंटर में। तो अभी सोच रहे हैं कि अभी इस साइड है और उस साइड जाएंगे, वहाँ पे 1 घंटा का, तो उधर देखते हैं कुछ और मिलता है घूमने के लिए, तो घूम लेते हैं। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, मर जाए तो सड़ने को जमीन चाहता है आदमी। तो अभी इस वक्त मैं हूँ कानपुर के स्टेशन के दूसरे साइड, जहाँ पे ये पीछे घंटाघर है, और आपने इस एरिया को बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स पे देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड के सॉन्ग शूट हुए हैं, बहुत सारी बॉलीवुड मूवी शूट हुई है यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा क्राउड वाला एरिया है। आप आसपास देख पा रहे होंगे, शायद आपको मेरी आवाज़ भी बहुत क्लियर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो कंटिन्यू चल रही है, इतना सारा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं शायद हाफ तक मेरी आवाज़ ना पहुंच पा रही हूँ, बट यही वो एरिया है जहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग शूट हुए हैं। अच्छा खत्म, बाय बाय, टाटा।